हाय बच्चों, तो आज आ गया है जिनी का ऑनलाइन रिजल्ट और सभी बच्चों को जानने हैं जिनी के एक्चुअल मार्क्स। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम जिनी के आज एक्चुअल मार्क्स दिखाने जा रहे हैं। और हाँ, जिन बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उनको हम सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सारा दिन टीवी देखती रहती हूँ। ये नहीं है कि कुछ पढ़ाई भी कर लो, काम आएगी। मम्मी अभी रिजल्ट तो आ गया, तो कहीं लेके पढ़ाया भी, रिजल्ट भी नहीं आया। और मम्मी पढ़ाई की बात कर रही है। अच्छा, तो तुम रिजल्ट आने का वेट कर रही हो कि तुम पास होगी या नहीं होगी। वाह क्या बात है, पास भी नहीं होगी तो रिजल्ट आने का वेट कर रही हो। न्यू क्लास में जाना है ना, पढ़ाई कर लो जाके। मम्मी मैं ना हर सब्जेक्ट में टॉप करूंगी, आपने क्या छोटी सी बात करी। और मेरे हर परसेंट में 95% आएंगी। वाह क्या बात है मेरे शेरो। वाह, एक तो करेगी हर सब्जेक्ट में टॉप और एक के आएंगे 95%। वाह मेरे शेरो, वाह। चुप रहो। जो मैंने न्यू सेशंस की बुक अरेंज करी है ना, जाके चुपचाप पढ़ाई कर लो। अरे पढ़ाई कर लेंगे, पर इस छोटे से पेज में ना भूख लगी है, बिल्ली भी है और चूहा भी है। तो चूहा और मैं बिल्ली, ये यहाँ पे चूहा है, यहाँ पे बिल्ली है। तू चूहा और मैं बिल्ली, तू चूहा और मैं बिल्ली, तू चूहा और मैं बिल्ली। पढ़ना ही नहीं चाहती दोनों की दोनों, पता नहीं क्या होगा। अभी भी वेट कर रही है कि रिजल्ट आया है या नहीं आया है। रिजल्ट आने का कोई वेट करता है? ये नहीं है कि न्यू सेशन की बुक्स मैंने अरेंज कर रखी है, पढ़ ले जाके। अब पेट में बिल्ली और चूहे कूद रहे हैं, एक के बिल्ली कूद रही है, एक के चूहा कूद रहा है। ये सारा दिन खाना ही पकाते रहो बस घर में ना। कोई नहीं नाचूस खाते, आजकल के भी बच्चे ना सही में बहुत दुखी करते हैं अपने मम्मी पापा को। ये नहीं है कि न्यू सेशन की बुक्स अरेंज मम्मी ने कर दी है तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लें कि जो अच्छे मार्क्स आए फिर से। हाँ अभी तो सालसा चाहिए कि बिना सालसा के मैडम ना तो खाएंगी नहीं। मम्मी सालसा नहीं लाएं। बस ये नहीं है, टीवी 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 सारा दिन टीवी देखती है लड़कियां सारा दिन। अरे मैसेज आया, वाह रिजल्ट आ गया जिनी, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। ऐप पर जाके डाउनलोड करो फटाफट से, प्रिंट निकालो। जिनी मैं आ रही हूँ, प्रिंट निकालो। वाह रिजल्ट आ गया जिनी का, रिजल्ट आ गया जिनी का, रिजल्ट आ गया जिनी। ऐप पे आपका रिजल्ट आ चुका है बेटा, को डाउनलोड करो एंड प्रिंट करो। अरे वाह मम्मी, नाचोस बाद में, पहले प्रिंट आउट निकाल के लाओ, मैं भी तो देखूं हर सब्जेक्ट में टॉप किया है मैडम ने, टॉप है। जाओ जल्दी से जाके प्रिंट निकाल के लाओ। यकीन नहीं हो रहा आपको, चलो मैं रिजल्ट लाऊं, लाइव से बाद में खाऊंगी। बिल्ली बिल्ली बन जाइयो, भारी बिल्ली बन के मत आइयो। ओए भारी बिल्ली नहीं, बिल्ली बिल्ली होता है। अरे डायलॉग तो सही से सीख ले, आपका रिजल्ट निकाल के लाए। इतने हम नाचोस खाते हैं है ना, हम इतने नाचोस खाते हैं। मैडम जी ने टॉप किया है टॉप, और आपका भी आएगा, आपके तो 95% मार्क्स आएंगे। वाओ तो वाओ, मुझे यकीन नहीं था हिंदी में इतने अच्छा देंगे। वाओ, अरे वाओ 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 वाओ, ओ मैम ने इतने अच्छा दिया है मेरे लिए। अरे मार्क्स क्या हो गया? अच्छा चलो कोई नहीं, लो प्रिंट। हो गया लड़का। मम्मी ये लो रिजल्ट, बहुत अच्छा है, देखो ना। देखती हूँ
सर साइंस 99 वेरी गुड, साइंस 96, मैथ्स 97.5, फ्रेंच 99.3, हिंदी 93.5, इंग्लिश 97। वाह जिनी, मैंने मजा आ गया, आज तो पार्टी बाहर है। मैं तो कायदा पर आपको यकीन ही नहीं हो रहा। गजब रिजल्ट आया जिनी, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कांग्रेचुलेशन जिनी, मजा आ गया तेरे रिजल्ट देख के। और बल्ले बल्ले, अब तो पार्टी तो बनती है। वाह 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 वाह, ला फोन ला सबको फोन करूं पहले ना, बताऊं तेरा कितना अच्छा रिजल्ट आया। वाह, फोन लेकर आ जा मेरा, जल्दी से फोन लेकर आ, जल्दी से जाना मेरा फोन लेकर आ, पहले रिजल्ट तो बता दूं। वाली देख दीदी के कितना अच्छा मार्क्स आया। वाह, टॉप किया है दीदी ने, टॉप। ला मैं सबको पहले फोन करके बताती हूं, पहले सबसे पहले पापा को बताती हूं। हेलो, हाँ सुनो, जिनी का रिजल्ट आ गया, उसने टॉप किया है। हाँ सही में पार्टी वाला दिन है आज तो। अच्छा चलो चलो, मैं मम्मी को बताती हूँ। जिनी कहाँ रह गई बेटा? मार्कशीट तो दिखा अपनी आज की। हाँ जल्दी से मार्कशीट लेके अपनी, आज तो मजा ही आ गया। कांग्रेचुलेशन बेटा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू पापा। इंग्लिश में 97, हिंदी में 93.5, फ्रेंच में 99.3, मैथ्स में 97.5 और साइंस में 96। पापा किसको फोन कर रहे हो? दादू को कर रहा हूँ, दादू को। अरे नहीं नहीं, रुको पापा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। पापा अगर मेरे एक सब्जेक्ट में 10 नंबर कम आ जाए तो आप इतने खुश होते हैं? और क्या, पर तेरे तो सब में बढ़िया है, तो टेंशन क्या ले रही है? पापा मैंने झूठ बोला। क्या झूठ बोला आपने? मार्क्स के लिए तो लग ही रहा था मेरे को, 10 मार्क्स कहीं ना कहीं आपने चेंज किए हैं जाकर। पापा मैंने वर्ड में जाकर इंग्लिश के मार्क्स 10 नंबर बढ़ाए थे, क्योंकि सब में मेरे इतने अच्छे नंबर आए, तो मैंने सोचा मेरी भी इंसल्ट होगी और आपको भी बहुत बुरा लगेगा। बेटा कोई बात नहीं, अगर एक सब्जेक्ट में कम आए लेकिन आपने गलती ये करी कि आपने झूठ बोला सबसे, ये कोई अच्छी बात है? नहीं पापा। बेटा आगे से ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना, क्योंकि झूठ बोलने से कभी किसी का भला नहीं होता। ठीक है पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सॉरी पापा, अब ये जो मैंने 87 को 97 बनाया, इस गलती के लिए मैं क्या करूं? बेटा अगर आपने 87 97 किया था ना, तो वर्ड में जाकर उसको टोटल भी आप ठीक कर देते। टोटल तो मैंने पहले ही पकड़ लिया आपका। चलो छोड़ो, अब जो मम्मी ने इतने सारे लोगों को बता दिया, उसके लिए अब मैं क्या करूं? अब तो सबकी आपको सुननी पड़ेगी। और वो सुनी था कि मम्मी कह रही थी कि वो पूरे मोहल्ले में बताती है, मैं पूरे मोहल्ले में कैसे बताऊंगी? अब इस सारी गलती का आप ही को सबकी सुननी पड़ेगी, तो तभी कहते हैं ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर 10 मार्क्स आप पे कम भी आ गए तो क्या फर्क आया?
कोई फर्क पड़ा उसमें? बाकी सब में जब आपके इतने बढ़िया आए हैं नंबर, तो बस आपको ये ध्यान रखना था कि अगर आपके इंग्लिश में कम नंबर आए हैं तो नेक्स्ट सेशन में आप इंग्लिश में और ज्यादा मेहनत करो। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आपके नंबर कम आए चाहे बहुत ज्यादा आए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। ठीक है? इट्स ओके बेटा। तो हाँ बच्चों, आपने देखा आज जिनी का रिजल्ट कैसा आया। उसका एक्चुअल रिजल्ट है वो लास्ट वाला, जो उसने लास्ट में अपने मार्क्स बोले। इंग्लिश में उसके कम रह गए, बाकी सब सब्जेक्ट में 90 से अबव आए हैं। तो हाँ बच्चों, जैसा जिनी ने किया आप लोग वैसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि वो मेहनत करें। पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि नंबर ज़्यादा आए या कम आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपनी एक्चुअल मेहनत करें और उसका फल आपको मिले। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।